नमस्कार, मेरा नाम मीना है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटी और हम सबकी फेवरेट अंडा मैगी मसाला की रेसिपी। वैसे तो लोग कई तरीकों से मैगी को बनाते हैं, लेकिन अंडा मैगी मसाला की बात ही अलग है। नॉर्मल मैगी के अंदर अंडे का फ्लेवर इसकी टेस्ट को और बढ़ा देता है, जिसके बाद इसे खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसलिए आपको इस टेस्टी अंडा मसाला मैगी की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडा मैगी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मैगी, 2 अंडे, 1 कटोरी मटर और मैगी के साथ मिलने वाला मैगी मसाला। इसके अलावा मैंने लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर, 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। इन सभी को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। आपको इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे, एक कढ़ाई को रख लेंगे, इसे फुल आंच में गर्म कर लेंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में टेस्ट काफी अच्छा आता है। अब हम इसको गर्म कर लेंगे फुल आंच में। इसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आपको इसको पकाना नहीं है, सिर्फ सोटे करना है। इस तरीके से हल्का नरम कर लेना है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, इसको भी इसके साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे हरा मटर, इसको अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम में कम से कम 2-3 मिनट पकने देंगे, जिससे कि हमारा मटर नरम हो जाएगा। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमारा मटर थोड़ा नरम हो चुका है। अब हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर, इसको अच्छे से मिलाएंगे। आंच को फुल रखेंगे। अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। मैगी के मसाले में भी नमक होता है, इसलिए आपको कम ही डालना है। और हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसको फिर से ढककर लो फ्लेम में कम से कम 3 मिनट पकने देंगे, जिससे कि ये थोड़ा नरम हो जाएगा और टमाटर भी गल जाएगा। अब 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा टमाटर और मटर काफी हद तक गल चुके हैं। अब हम इसको इस तरीके से साइड में करेंगे, तेल को बीच में आने देंगे। अब हम इसमें तोड़ेंगे 2 अंडे इस तरीके से, इसको साइड में अच्छे से पकाएंगे। आपको इस तरीके से पका लेना है। अब हम साइड किए हुए मसाले को भी मिला देंगे इस तरीके से। अब हमारा अंडा मसाला रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे मैगी। मैं इस तरीके से तोड़ के डाल रही हूँ, आप सिंगल भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम डालेंगे 2 गिलास पानी। अब हम इसके ऊपर तीनों मैगी मसाला को डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे।
अब हमको इसको ढककर सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है मीडियम आंच में। अब 3 मिनट हो चुके हैं, आपको इसको 2-3 मिनट ही पकाना है। इसमें मैं आधे नींबू का रस डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, इससे टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। हमारा मैगी अच्छे से पककर रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अंडा मैगी मसाला कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये काफ़ी झटपट बना है और इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली है अगर आप भी वो चीज़ डालेंगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलूंगी मैं आपको हर दिन एक टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।